हमारे साथ हैं। मेरा नाम मानवी सिंह यादव है और मैं बबीना विधानसभा चिरकोण से हूँ। नमस्कार मानवी जी। और आज हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह यादव, प्रदेश महासचिव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी छात्र सभा से। जी नमस्कार पुष्पेंद्र जी। आज सबसे पहला हम ये बात रखना चाहेंगे आपसे कि आपके मुद्दे की बात क्या है, कि जिस आप पार्टी में आ रहे हैं तो आप मुद्दे की बात बताएं पहले। अभी माननीय शिवपाल जी का समाजवादी पार्टी से अभी गठबंधन हुआ है। माननीय शिवपाल जी अब समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेंगे चुनाव, और गठबंधन में जो भी उन्हें सीट माननीय अखिलेश जी देंगे उसी हिसाब से वो मैदान में उत्तर प्रदेश के चुनाव में जोरदार तरीके से लड़ेंगे। और सरकार में जैसे ही शिवपाल जी आते हैं तो वो हर घर में नौकरी देने का वादा किया था उन्होंने, और किसानों के लिए बिजली माफ करने का उन्होंने कहा। एक अहम सवाल हम आपसे अब आगे पूछना चाहेंगे कि 2014, 17 और 19 लगातार हार के बाद इस बार जीत की कितनी संभावना है? हम लोग इस बार झांसी विधानसभा में चारों सीटें जीत रहे हैं। इसका रीजन एक ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो चार विधानसभाएं हैं, चार विधानसभा जो विधायक हैं, उन्होंने कहीं कोई काम नहीं किया है। आप कोई भी मुद्दा उठा देख लीजिए, कहीं भी उठा देखिए, कोई भी विधायक एक ठोस काम पूरी झांसी जिले के अंदर बता नहीं सकता है कि हमने कोई भी एक नया काम, कोई भी ठोस काम, कोई शिक्षा के लिए कोई काम किया हो, कोई युवाओं के लिए कोई काम किया हो, कहीं कोई काम नहीं किया। इसलिए हमें लगता नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है इस बार हम बबीना विधानसभा के साथ साथ चारों विधानसभाएं, चाहे वो मऊरानीपुर हो, करौंटा हो, झांसी विधानसभा हो, हम चारों सीटें जीत रहे हैं। तो क्या लगता है आपको आगे आपको शिवपाल यादव जी सम्मान दिला पाएंगे? सबसे पहले तो प्रगतिशील समाजवादी लोहिया का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अर्पित तो बधाई देना चाहता हूँ उनको कि उन्होंने हमारा साथ दिया है। माननीय अखिलेश जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने चाचा जी को सम्मान दिया और चाचा जी को सीट देने का काम किया है। हम ये बहुत से जानते हैं कहीं ना कहीं प्रगतिशील एक ठोस कदम उठाएगी, और एक कहीं ना कहीं हमें विश्वास है कि वो हमारा साथ देंगे और प्रगति के साथ, चाबी के साथ हम साइकिल को बड़ी रफ्तार देने का काम करेंगे। 2017 में सर जो गठबंधन खराब हो गया था वो क्या दोबारा से जुड़ पाए? हम इस बार सिर्फ और सिर्फ छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बड़े दलों के साथ बहुत खराब था। कहीं ना कहीं हमने उनका सपोर्ट किया लेकिन उन्होंने हमारा कहीं कहीं कोई सपोर्ट नहीं करा। इस वजह से इस बार हम छोटे दल, जितने भी छोटे दल हैं, उनको सम्मान देंगे, उनको साथ लेके चलेंगे, उन्हें अपनी अपनी कार्यकारिणी में जगह देंगे और उनको सम्मान देने का काम करेंगे। आपकी पार्टी प्रगतिशील पार्टी कितनी चुनाव सीटों पर लड़ेगी सर? माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का विलय हुआ है, गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ, जो कि अब उनकी एक अभी तो क्लियर नहीं किया है कितनी सीटों पर लड़ेगी, लेकिन जल्द से जल्द ये क्लियर होगा और प्रत्याशी भी घोषित होंगे, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के साथ बहुत जोरों शोरों से माननीय शिवपाल सिंह यादव अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे। अगर शिवपाल जी जीतते हैं तो वो आगे क्या करना चाहेंगे हमारी जनता के लिए? शिवपाल जी ने पहले ही कहा है, और शुरू से जब से शिवपाल जी समाजवादी पार्टी में थे और आज भी हैं, मतलब प्रगतिशील समाजवादी में, तो लगातार उन्होंने अपने क्षेत्र और जनता के लिए हमेशा बहुत ही काम किए। जैसे बुंदेलखंड में उन्होंने डैम बनाए, रोड बनाए, सड़कें बनाई, सीपरी का ओवर ब्रिज तक उन्होंने बनाया अपनी झांसी का, जो कि आज विश्वनाथ शर्मा के नाम से सांसद जी ने उसका नाम बदल दिया है। लेकिन नाम बदलने से कुछ नहीं होगा भाजपा वालों का, लेकिन इस बार सरकार भाजपा की जा रही है, समाजवादियों की आ रही है, सिर्फ इन्होंने नाम बदले हैं, काम बिल्कुल भी नहीं किया है। और शिवपाल जी सरकार में आते हैं तो हर घर में नौकरी देने का काम और किसानों को बिजली देने का काम मुफ्त सरकार में करेंगे माननीय शिवपाल जी। अब एक आखिरी और अहम सवाल हम पुष्पेंद्र जी से पूछेंगे कि बुंदेलखंड में कितनी सीटें और कितने चुनाव आप लड़वा रहे हैं? वैसे तो अभी शिवपाल जी ने क्लियर नहीं करा है कि कहां कहां से वो अपनी सीटें उतारेंगे और कहां कहां से अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो बुंदेलखंड की बात है तो बुंदेलखंड में हमारी पार्टी कहीं ना कहीं बहुत मजबूत है, और शिवपाल जी जो भी अपना निर्णय लेंगे बहुत अच्छा लेंगे। झांसी से जहां तक कोशिश है तो झांसी सदर से और शहर की सीट से माननीय हमारे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव जी लड़ सकते हैं, वो जो बहुत दमदार प्रत्याशी हैं और विजय भी होंगे, और सरकार के रहते रहते शिवपाल जी अपने प्रत्याशी बहुत जोरदार तरीके से उतारेंगे बुंदेलखंड में, और बहुत जोरदार जुड़े रहिए आजाद आवाज।